नमस्कार दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्त आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं आपके लिए CRPF पैरामेडिक, CRPF ट्रेडमैन, CISF, BSF, SSB या जितनी भी ट्रेडमैन जो एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उन क्वेश्चन का पूरा सार लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, मेरी गारंटी आप जो करंट छोड़िए बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उनको 99% आप करके जरूर आओगे। दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन का पोर्शन लेके चलेंगे। इसमें 2 से 4 वीडियो होंगे आएंगे जो इतने इंपॉर्टेंट हो गया आप आराम से आसान से क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। देखो दोस्तों अब हम आप मेरा आपका टाइम मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, आप वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो जो पहला क्वेश्चन है 201 नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ देखो। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, 201 नंबर कह रहा है कि गेंगा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों तो ये रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो हमारी ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से हो गया, ये थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, गले में परेशानी हो जाती है, आदमी को पानी वानी पीने में खाना वाना खाने में दिक्कत होने लग जाती है और जो हमारा गला है वहाँ सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। दोस्तों 202 नंबर कह रहा है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि ऐसी जो इंसुलिन का स्राव करती है। अगला दोस्तों 203, ड्रोन्ड कप का संबंध किससे, तो ये फुटबॉल से संबंधित, ड्रोन्ड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। 204 कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो देखो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है ना वो हमारा है हीराकुंड बांध, ठीक है। इसके बारे में देखो, अब हीराकुंड बांध है, बांध ऐसे तो है नहीं कि कहाँ बनेगा, तो ये कौन सी जगह है, पहले तो भारत दे रखा है, दूसरी बात भारत के कौन से राज्य में बना है, ओडिशा में, तीसरी बात दोस्तों कौन से, अब नदी बांध बना है तो इसके लिए नदी भी, तो नदी कौन सी है, तो नदी है दोस्तों महानदी, कौन सी नदी है, महानदी पर बना हुआ है। तीसरी बात दोस्तों ये महानदी बना हुआ है, ये कब इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, 1957 में इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था दोस्तों। और अब इसकी नींव रखी थी, तो नींव कब रखी गई थी वो बताता हूँ आपको, हीराकुंड बांध की जो नींव रखी थी दोस्तों वो एक अंग्रेज अफसर थे, उन्हें 15 मार्च 1946 में इसकी नींव रखी थी दोस्तों, ठीक है। जो ओडिशा के राज्यपाल थे उस टाइम में सर ऑर्थन लुइस, सर ऑर्थन लुइस से जिनने इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। और इसका निर्माण कार्य 1947 में इसका चालू हो गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 अप्रैल 1948 क्रिकेट का पहला बैच रखा था, ठीक है। और एक क्रिकेट से निर्मित है, क्रिकेट से निर्मित है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 अप्रैल 1948 में इसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा इसकी नींव रखी थी आधारशिला 12 अप्रैल 1948 को, ठीक है दोस्तों। इसमें लगभग 40 गेट है, इसमें ये महानदी पर निर्मित है, ठीक है। और जो हमारा ये सबसे, ये तो यार ये विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। कितना किलोमीटर, विश्व का सबसे लंबा बांध है 25.8 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है दोस्तों। अब चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 205, देखो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, ठीक है। ठीक है, दो क्वेश्चन याद हो गए दोस्तों, एक तो भाषाओं का वर्णन किस में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, और कितनी भाषा है टोटल 22 भाषा, ठीक है दोस्तों। जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों इसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम इसमें है कुल मात्र जो भाषा थी वो 14 भाषाओं का, ठीक है। इसमें 14 भाषा थी जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, उस टाइम में 14 भाषाओं का उल्लेख था इसमें, तो कितनी भाषा थी उस टाइम में, 14 भाषा। फिर पहला इसमें जो संविधान संशोधन हुआ था वो होता 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में होता, ये 1992 में होता। तो इसमें दोस्तों तीन भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई थी इसके अंदर, देखो इसमें जोड़ी गई थी कोंकणी, मैतेई यानी मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन भाषा और जोड़ दी गई इसमें, ठीक है।
इसके बाद देखो अगला, इसके बाद इसमें दूसरा संशोधन हुआ दोस्तों, वो जो हुआ था बराणवा संविधान संशोधन, बराणवा ठीक है, ये हुआ था 2003 में हुआ था। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें और भाषा जोड़ देगी तो इसको टोटल मिला 3 + 14 = 17 हो गई, 17 हो गई। अब पांच भाषा और जोड़ देगी, कौन सा, बोडो, बोडा, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, और भी इसमें बीच बीच में और भी इसमें संशोधन हुए जिनके बाद इनमें कई भाषा जोड़ देगी, ऐसे कुल मिला के इसमें 1, 2, 3, 4 होगी, एक कौन सी हो जाएगी, एक भाषा उड़ती उसको जो ऐसे जोड़ दिए इसमें, आज कुल मिला के इसमें जो भाषाओं से गया है वो 22 भाषा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 206 नंबर क्वेश्चन, देखो 206 नंबर क्वेश्चन क्या, चीन की मुद्रा कौन सी है। ठीक है, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो दोस्तों चीन की मुद्रा है वो है युआन, युआन चीन की मुद्रा है। 207 युआन चीन की मुद्रा, क्वेश्चन याद करने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया पड़ोसी देश के बारे में भी बताना है। ठीक है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, हेनरी डुनांट थे। ठीक है दोस्तों, 208 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है मनुष्य में तो उसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका वीडियो हमारे जो रोग वाला वीडियो है वो भी देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम एनीमिया में क्या क्या चीज होती है। अब चलते हैं आगे। ठीक है देखो दोस्तों, 209 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि भारतीय कोकिला कौन कहलाती है, तो भारतीय जो कोकिला वो सरोजनी नायडू कहलाती है, भारतीय कोकिला कौन है, सरोजनी नायडू। ठीक है, अब अगला देखो 210, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनानी शुरू की थी। देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार है वो बनवाना इसको शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अरे इसका जो निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये है ना कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 73 मीटर है। ठीक है, 63 मीटर या 63 मीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, इसका जो निर्माण जो कार्य प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1199 कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में बनवाना चालू हुई थी और ये 1220 में बन के तैयार हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में, विवेकानंद का जो स्मारक है वो कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो ये दोस्तों काठमांडू नेपाल में है। अब देखो ये क्या चीज है इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो दक्षिण का जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हो गया, इसे हम सार्क भी कहते हैं, सार्क देश जो हमारे दक्षिण एशिया के जो देश है उनको। देखो इसमें 8 कुल देश, 215 नंबर कह रहा है दक्षिण के कितने देश है, तो इसमें 8 है। ठीक है दोस्तों, कौन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात दक्षिण की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में, इसका मुख्यालय क्या है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रथम जो इसका जो अध्यक्ष था दक्षे का वो था अबुल अहमद एहसान, सॉरी अबुल एहसान इसका प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, 216 नंबर कह रहा है भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। देखो भारतीय तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, यानी जो भारत पूरा मैप है उसमें जो लंबाई है
वो 7516 किलोमीटर है, किलोमीटर सॉरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में 217 नंबर क्वेश्चन देखो, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश का, भारत करता है ठीक है। 218 ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी, तो इसे ऐसा सूरी ने बनवाई थी। कब इसे ऐसा सूरी ने इसका निर्माण करवाया था ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अब विटामिन संबंधित क्वेश्चन आ रहे दोस्तों, 219 कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसे विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। 221 के दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता ठीक है दोस्तों। 222 कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटेस होता है विटामिन डी की कमी से दोस्तों। 223 कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के का खून का थक्का का मतलब होता है कि हमारा जो खून होता है वो रुकता नहीं, जब हमारे चोट वोट लगती है ना तो एक मतलब आसानी से खून रुकता नहीं है। 224 कह रहा है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बांझपन होता है, यानी कि लेडीज में ज्यादा होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन ठीक है, लेडीज में होता है, बच्चे पैदा नहीं होते उनसे ठीक है। 225 कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी जो सी है उसका रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन दोस्तों ए और ई है, ए और ए वसा में घुलनशील है दोस्तों ठीक है। अगला है सादा नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl ठीक है, जो सादा नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl होता है ठीक है। अब देखो आपको मैं बता देता हूं, देखो विटामिन जो ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है रेटिनोल ठीक है। विटामिन बी, अब बी में बहुत सारे विटामिन है, तो विटामिन बी वन में जो बी वन का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन ठीक है। विटामिन बी टू इसे जी भी बोलते हैं ठीक है, ये है राइबोफ्लेविन हो गया। और विटामिन बी थ्री का जो नाम है पीपी बोलते हैं इसे नियासिन ठीक है। निकोटीन अम्ल भी बोलते हैं ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो अब इसके बाद है विटामिन बी फाइव, तो विटामिन बी फाइव को पेंटोथिनिक अम्ल बोलते विटामिन बी फाइव को ठीक है। विटामिन है दोस्तों विटामिन बी सिक्स को बोलते हैं पायरोडोक्सिन ठीक है। और जो पायरोडोक्सिन हो गया विटामिन बी सेवन या इसे एच भी बोलते हैं ठीक है, बी सेवन या एच बोलते हैं, इसका नाम है बायोटीन ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले भी चलते हैं विटामिन में, जो अगला विटामिन दोस्तों वह है विटामिन बी नाइन का नाम है फोलिक अम्ल बोलते हैं। फिर इसके बाद है B12, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है, साइनोकोबालेमिन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो विटामिन सी की, इसका नाम है एस्कॉर्बिक, इसका क्या नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है ठीक है। फिर हम इसके बाद विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल ठीक है। फिर हम विटामिन ई की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है नेप्थोक्विनोन ठीक है। अब इसके बाद विटामिन एक और बच गया के का नाम है नेप्थोक्विनोन, इसका विटामिन ए ई है सॉरी दोस्तों, इस विटामिन ई का जो नाम है
वो है हमारा टोकोफेरोल, टोकोफेरोल हो गए। ये सारे विटामिन के हो गए, इनके रासायनिक नाम हो गए, ठीक है। ये विटामिन जितने भी थे उनके मैंने सभी के रास्ते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी विटामिन को मैंने लगभग करवा दिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 227 कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl हो गया। आसानी वाली गैस जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, Na2O है, ठीक है, N2O है, N2O है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली जो हमारी अगला जो क्वेश्चन है वो है 229 नंबर, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट। पित्तल किन दो धातु उसकी मिश्रण, तो पित्तल जो बनता है तांबा और जस्ते का अनुपात से बनता है। अगला 231 नंबर कह रहा है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम, अभी मैंने बताया था विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल, ठीक है दोस्तों, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। 232 कह रहा है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया का, कि पूरा नेत्र दान किया जाता है। आप सोचते भाई पूरे आंख पूरी दान कर, नहीं, ये कॉर्निया निकाल लिया जाता है और बाकी वैसा वैसा रहता है। किस विटामिन कोबाल्ट, 233 कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में, जिसका रासायनिक नाम भी मैंने आपको बताया था, विटामिन B12 में वेरी इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालमिन, ठीक है। अगला 234 नंबर है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाता है, कोशिका जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला 235 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो लाल रक्त कणिका होते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ होते हैं, इसका निर्माण ये अस्थि मज्जा में होता है। जो लाल रक्त कणिका है उनका निर्माण हमारे शरीर का कौन से भाग में होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। अब इसके बाद एक बात और दोस्तों, इसमें जो जो हमारे लाल रक्त कणिका होता है इसका जो इसका क्वेश्चन के बोर्ड पर पूछ लिया गया कि इनका जो का वो होता है, मतलब समय होता है वो 120 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, सॉरी 120 दिन का, 120 दिन, ठीक है, 120 दिन बाद नई कोशिकाएं आ जाती है। और जो दूसरा इसके साथ होता है तो श्वेत जो होती है, श्वेत होता है वो 2 से 3 दिन का होता है, ठीक है, 2 से 3 दिन का होता है, 1 या 3 दिन कर सकते हो, 2 से 3 दिन तक कर सकते हो, जिंदा रहती है, उसके बाद दोबारा वो बन जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 236, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमेशा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 237 ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो स्पेगनोमीटर का यूज, ठीक है, स्पेगनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। 238 कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, एक होती है रैम, एक होती है रैम, एक रीड ओनली मेमोरी और एक रैम, RAM, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगले हो गए 240 देखो, 39 सॉरी, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नामों दो दलों में विभाजित हो गया था, एक 1907 का जो सूरत का अधिवेशन था उसमें हो गया था, नरमवादी और उदारवादी दो दलों में विभक्त हो गया था। 240 तंजौर का प्रदेश मंत्री किसने बनवाया था, तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, कब बनवाया था, तंजौर का प्रदेश मंत्री बनवाया था इसने, ठीक है दोस्तों। ये जो तंजौर मंदिर है दोस्तों ये तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु, बहुत अच्छा मंदिर है तमिलनाडु में, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1001 से लगभग 1000 से शुरू, 1003 से शुरू हुआ था, 1010 में बन के तैयार हुआ था, 1003 से 1010 में बन के तैयार हुआ था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, अगला 241 कह रहा है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, अमरकोट के राजा के दुर्ग में हुआ था, ठीक है दोस्तों। जो अकबर का जो ये अमरकोट पड़ता पहले पाकिस्तान में है, अभी पाकिस्तान, पहले मतलब इंडिया में पड़ता था ये अमरकोट पाकिस्तान में, ठीक है, ये अमरकोट पाकिस्तान में, इसका जो राजा था अमरकोट का वीर साल के महल में हुआ था, वीर
वीर साल था यहाँ का राजा, वीर साल, ठीक है, वीर साल था, वीर क्योंकि हुमायूं वाकर इसके पास चला गया था, उसके लिए यहाँ निशा के महल होता, यहाँ जो अकबर का जो पिता था हुमायूं वो यहाँ चला गया था, ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 जब हुमायूं भटक रहा था वो यहाँ चला गया था, ठीक है। पूर्णिमा के दिन हुआ था, उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। जो अकबर जो अकबर का शासन काल था, अकबर का शासन काल था 27 जनवरी 1556 को गद्दी बैठ गया था, और इसकी जो मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी, ठीक है, मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2014 फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, ब्राजील में दोस्तों, कहाँ हुआ था, ब्राजील में, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 243, देखो 243 कह रहा है 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था हमारे रूस में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 244 है कि 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे, ठीक है दोस्तों। 245 2015 क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ये दोस्तों 2017 की जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जाम थी, 2017 की ट्रेडमेंट की जो एग्जाम थी उसकी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको ऐसे ऐसे रख दिया। 246 देखो, संसद के दोनों सदन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब दोनों का लोक जब संसद दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलानी हो, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो उसकी अध्यक्षता करेगा कौन, हमारा लोकसभा अध्यक्ष है। 247 बार के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर थे, गणेश वासुदेव मावलकर थे, ठीक है दोस्तों। 248 कह रहा है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370 के तहत दर्जा प्राप्त था, लेकिन 5 अगस्त दोस्तों कब, 5 अगस्त 2019 को यह दर्जा छीन लिया गया, इसमें 35A भी था, इन दोनों को हटा दिया गया, ये इसमें हमारे मतलब एक ऐतिहासिक कदम था, जम्मू कश्मीर हटाना, ठीक है, संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद देखो कोई भी देख धनी विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है दोस्तों। अगला 250 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद दोस्तों मुसी नदी के किनारे बसा हुआ है। 252 देखो, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, मेक्सिको विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करता है, ठीक है दोस्तों। 253 क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है, ठीक है दोस्तों, वेटिकन सिटी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग, इसका क्षेत्रफल लगभग 44 हेक्टेयर है, 44 हेक्टेयर है, यहाँ लगभग 1000 आदमी रहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चर्च है यहाँ और क्या दोस्तों वेटिकन सिटी में, ठीक है। इसके बाद देखो 254 देखो, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं, तो स्वेज रोड जो स्वेज नहर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है, ठीक है। तो 255 देखो, पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ते हैं, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए यहाँ से, ये क्वेश्चन इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आधारित है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 256 देखो दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन से, सिलावास, कौन से, सिलावास, ठीक है दोस्तों। 257 देखो, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है 342 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 258 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, फुलुगी घाटी किसे कहा था, उत्तराखंड को फुलुगी घाटी भी कहा था, ठीक है। 260 वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान, राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी, जुबा, जुबा दक्षिण सूडान कौन, जुबा, ठीक है। अगला देखो 261 देखो, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री हमारा, ठीक है। अब इसका योजना आयोग का नाम बदल के इसका कर दिया गया 2015 में, क्या, नीति आयोग, 2015 में क्या कर दिया गया, नीति आयोग, इसलिए क्वेश्चन आया था पहले, ठीक है दोस्तों। अगला 262 देखो, आयन अकबर का लेखक कौन था, तो दोस्तों आयन अकबर जो लेखक था वो था अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। 263 होफमैन कप किस खेल से संबंधित, टेनिस से, ठीक है दोस्तों। 264 देखो,
देशमुख देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु बंधु नाम चित्रनदास जाने जाते हैं। 265 अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 266 देखो, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म हरिश्चंद्र बनी थी, ठीक है। 267 देखो, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी चाहिए, कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी होती है। 268 देखो, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांग की हड्डी है, जो सबसे बड़ी है। 269 देखो, मानव शरीर में कितनी पेशी होती है? मानव शरीर में 639 पेशी होती है। 270 देखो, लाल रक्त कणिका RBC का जीवनकाल कितना होता है? तो 120 दिन, कितना होता है? 120 दिन। 271 देखो, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो इसे जस्तीकरण या गलेवनीकरण भी कहते हैं, या गलेवनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है 272 देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। 273 देखो दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोध यंत्र कहाँ स्थित है? ये डिगबोई आसाम में स्थित है। भारत का प्रथम जो तेल शोध यंत्र है वो डिगबोई आसाम में स्थित है, ठीक है। इसके बाद यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने पर यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये कौन सा पुरस्कार हो गया हमारा कलिंग। 275 देखो, हैदराबाद में चार मीनार निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। हैदराबाद में चार मीनार उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और दिल्ली की चार मीनार उसका निर्माण हमारे किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद इसको इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी, ठीक है। उसके कुली कुतुब शाह था, ये पांचवा शासक था, जो खानवंश था उसका पांचवा शासक था। इसने इसका निर्माण 1591 में करवाया था। कब करवाया था? 1591 चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में करवाया था। 277 देखो, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? ये 1929 से पारित हुआ लाहौर में। कह देते कांग्रेस की हमें तो पूर्णता संविधानता चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये, हमें तो पूर्णता आजादी चाहिए, कांग्रेस ने कह दिया था, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस पहले एक संगठन था, देखिए कांग्रेस एक पार्टी थी, पहले एक संगठन था कांग्रेस नाम से, जो महात्मा गांधी सभी थे मौजूद थे, तो वो विरोध करता था इसमें, जो भी गलत काम होता था अंग्रेज जो भी गलत काम करते उसके विरोध करता था वो संगठन, ठीक है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन 278 देखो, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति दूध से उत्पादन संबंधित थी। इनका मैंने एक स्वेट छोटा वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो। 279 है दोस्तों, जो भारत में सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा था? तो फेरी क्वीन था, ठीक है। फेरी क्वीन था भारत में सबसे पुराना चालू इंजन था, ठीक है दोस्तों। 280 कह रहा है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? 280 के अनुसार ये कह रहा है कि चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया, प्रथम आपातकाल कब लगा था? अभी तक भारत में तीन आपातकाल लगे थे। प्रथम जो आपातकाल लगा था वो चीन ने आक्रमण किया था 26 अक्टूबर 1965 को, तब भारत में प्रथम जो आपातकाल लगा था, ठीक है दोस्तों। उसके अभी देखो दोस्तों, प्रथम जो आपातकाल बता दिया मैंने, अब दूसरा जो आपातकाल लगा था वो लगा था 1971 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ था। और तीसरा जो आपातकाल लगा था दोस्तों वो लगा था 1975 में, ठीक है। आंशिक अशांति के कारण लगा था, ये पहला आपातकाल था जो आंशिक अशांति के कारण लगा था। आंशिक अशांति के कारण ये 1975 में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी के राज में लगा था, ठीक है दोस्तों। और सबसे लंबा जो आपातकाल था दोस्तों वह था चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया वो वाला आपातकाल, ठीक है दोस्तों। देखो जो आपातकाल लगते हैं वो अनुच्छेद 356, 352 और 360 के तहत लगते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तीन अनुच्छेदों के अनुसार मतलब आपातकाल लगते हैं, ठीक है। देखो 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब लगता है, 300 कैसे क्या कहोगे? जब आपातकाल लगेगा देश में तो कैसे लगेगा? 352 के तहत लगेगा राष्ट्रीय आपात, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल होगा, ठीक है आपात। दूसरी बात, जो 356 है उसमें 356 में राष्ट्रपति शासन होगा, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और 360 में होगा वित्तीय आपात, जो आज तक नहीं लगा। वित्तीय आपात में पैसे का संकट आ जाए, खाने पीने का संकट आ जाए, तब लगता है वित्तीय, ठीक है। अब चलो आगे,
281 के भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो भाषा के आधार पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। 282 देखो, भारत हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, 712 में इसने 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था भारत, ठीक है, ये पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। 283 सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, तो ये मेगस्थिन था, सेल्यूकस निकट का जो राजदूत था चंद्रगुप्त के दरबार में था कौन, मेगस्थिन, ठीक है। 284 श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या, सिलोन। 285 कह रहा है विटामिन की खोज फंक ने की थी, इसने की थी फंक, ठीक है। 286 कह रहा है स्टेनलेस स्टील किस में संदर्भित होता है, तो दोस्तों आयरन क्रोमियम और निकल, ठीक है, आयरन क्रोमियम और निकल के होते, ठीक है। 287 कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा दोस्तों कॉपर और टीन की मिश्र धातु है, ठीक है। 288 देखो, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो 1893 में शिकागो में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था जो स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर उसको संबोधित किया था, ठीक है। 289 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। जलिया वाला बाग का थेगा, इस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, जो भारत का गवर्नर जनरल था इस टाइम हमारा जो बाहर इंडिया का जो गवर्नर जनरल था मुख्य लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इस टाइम गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ था कांड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। दूसरी बात अब देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था या एक रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, रोलेट एक्ट, ठीक, रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट को क्या मानते थे कि हमारे देश में काला, मतलब रोलेट एक्ट एक प्रकार क्या था, काला कानून था, ठीक है, इसमें मतलब रोलेट एक्ट में अंदर मतलब काला कानून के बराबर एक एक्ट था, तो इसका विरोध करने के लिए सभी एग्जीक्यूटिव हुए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग वहाँ जलियांवाला बाग मतलब जलियांवाला एक जगह है पंजाब में, वहाँ सभी एक जगह इकट्ठे हुए थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर पंजाब में, ठीक है, अमृतसर में वहाँ सारे इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे होने पर यहाँ जनरल डायर ने क्या किया था कि जनरल डायर था जिसने क्या किया कि गोली चलाने का आदेश दे दिया था, यहाँ का जो जनरल चारों ओर से बंद करके पुलिस को चारों ओर से घेरा के यहाँ गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें लगभग इसमें जो मारे गए थे इसमें 380 लोग बताते हैं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, बाकी वैसे 1500 लोग मारे गए लगभग इसमें मारे गए थे। ये वैसाख का दिन था जिसे मतलब ये जो पंजाबियों का अपने मानते वैसा कि उस वाले दिन था, ठीक है। ये नरसंहार बहुत तगड़ा हत्याकांड था जिसकी आज भी मतलब पूरे देश में क्या पूरे विश्व में आज भी इसकी वो कही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 290 पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है। 291 में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में दिया था, ठीक है। देखो महात्मा बुद्ध थे, इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, कहाँ, लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक श्वाक वंशी इसके पिताजी थे, ठीक है, श्वाक वंशी थे, श्वाक के कुल के थे, इनके पिताजी का नाम था सुदोधन था, इनके पिताजी का जो नाम था सुदोधन था, ठीक है। ये 21 वर्ष में अपने गर्भगृह ने त्याग दिया था, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बाहर निकल गए थे। फिर इन्हें अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी, ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ था लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 293 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या नाम है, तो भारत में जो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम है सिद्धार्थ, क्या नाम है, सिद्धार्थ, ठीक है। 294 देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। 295 देखो, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में, किस अंग में होती है, छोटी आंत में। 296 देखो, अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगोरियन मेंडल ने किया था, ये मटर के पौधे में मतलब इसने बहुत प्रयोग किया था मटर के पौधे पर इन पे, ठीक है। 297 देखो, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु, मानव द्वारा
सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। 298 देखो बाल बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत में, बॉल पेन किस पृष्ठीय तनाव सिद्धांत में काम करता है। क्यों? जैसे आप बॉल पेन को जो सही वाला पेन होता है उसको परेल में ले जाओगे तो उसकी सही नीचे नीचे में ले जाए, क्यों? क्योंकि वहां पृष्ठीय तनाव नहीं होता उसका, इस कारण वो कार्य नहीं कर पाता। 299 देखो रेशम कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाती है, शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है। 300 देखो राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध, तांबे की खाने की खेतरी तांबे के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्त। 301 नंबर देखो, 301 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, शुक्र। 302 कह रहा है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मनुष्य रेटिना पे जो हमें वस्तु दिखाई देती है वो रेटिना पे जाकर टकराती है और वहां से हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु है, ठीक है। 303 देखो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो विकिरण विधि द्वारा होता है। 304 देखो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाट्स ने क्रिक लगाया था। 305 देखो ध्वनि की तीव्रता किस मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है, तीव्रता किस मापी जाती है, डेसिबल में। 306 देखो मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं, एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन क्या पालन क्या पालन क्या कहते हैं, एपिकल्चर। 307 देखो किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा था, किसी होम पेज, किसी वेबसाइट होती है उसके प्रथम पेज को क्या कहा था, होम पेज। 308 देखो गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का, ठीक है। 309 सामान्य परिस्थिति हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि गति, 332 मीटर पर सेकंड होती है। 310 देखो वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमते, शुक्र। एक शुक्र ग्रह एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है, जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम, बाकी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, ठीक है दोस्तों। चले आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 311 देखो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। 312 देखो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। 313 देखो सौर मंडल की आयु कितनी होती है, 4.6 अरब वर्ष होती है। 313 देखो कौन सा पुंज तारा छिहत्तर वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुंज तारा है जो प्रत्येक छिहत्तर वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। देखो 315 पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये अधिकतम दूरी है 14 करोड़ किलोमीटर होती है न्यूनतम दूरी। 316 देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड, ठीक है। वैसे 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। अगला देखो 317 पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था, तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था, 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, सॉरी 318 देखो पहले 318 कह रहा है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे मान लो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये इसके सारे क्या कहलाते हैं, पार्ट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसमें अंदर होती है, हार्ड डिस्क सिग्नल की ये इनकी सॉफ्टवेयर हो गई। 319 कह रहा है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, रेडोन। रेडोन कैंसर के उपचार में, रेडोन एक ऐसी मतलब उपचार में गैस है जो काम आती है, ठीक है। 320 कह रहा है मोनेटाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम। मोनेजाइट बालू ये खनिज में थोरियम का, ठीक है, थोरियम इसमें धातु खनिज पाया जाता है, थोरियम खनिज पाया जाता है। 321 देखो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड में क्या होता है, गलगन रोग हो जाता है, इसलिए हमेशा आयोडीन की कमी है, ठीक है। 322 देखो संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है, तो संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है, व्हेल मछली, ठीक है। 323 देखो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लेड स्टिनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लेड स्टिनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अगला देखो 324 देखो एल्यूमिनियम का प्रमुख आयसक कौन है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख आयसक कौन है, बॉक्साइट। 325 देखो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था,
स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपकरण है। 326 दो किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा प्रेरित किया जाता है, तो डायनेमो, डायनेमो के द्वारा किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा किया जाता है, डायनेमो के द्वारा। 327 देखो कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। 328 रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने में, क्या मापी जाती है, जब हमारे भूकंप आते हैं तो उसका मापा जाता है ना, क्या तो दो रिएक्टर स्केल का आ गया, तीन रिएक्टर स्केल का आ गया, तो वो होता है रिएक्टर पैमाना, ठीक है। 329 होता है भूपटल में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम, हमारे जो प्रतिवेश में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है। 330 कह रहा है किस ग्रह की संध्या तारा कहा, किस ग्रह को संध्या तारा, शुक्र ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। 331 कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो सौभ मंडल, वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है उसको क्या कहा जाता है, सौभ मंडल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला 332 देखो पृथ्वी की एक डिग्री दिशा में घूमने में कितना समय लगता है, पृथ्वी एक डिग्री दिशा में घूमने में 4 मिनट लगते हैं, एक दिशा में घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। दोस्तों वायुमंडल की सतह से लेयर से संबंधित क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्लियर पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की कौन सतह कहाँ है, कौन सतह क्या है। तो देखो आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जो वायुमंडल की ऊपरी सतह उसका नाम सौभ मंडल, इस सौभ मंडल का जो इंग्लिश में नाम है इसे टोपोस्फीयर भी कहते हैं, टोपोस्फीयर भी, ठीक है, टोपोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद होता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। फिर इसके बाद है मध्य, इसके बाद समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, ठीक है, और मध्य मंडल को जो इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेसो स्फीयर, ठीक है, स्फीयर में ऑप्शन दिए। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो है तापमंडल, ठीक है, तापमंडल इंग्लिश में थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर, ठीक है। इसके ट्रिक में बता दूंगा, एक वीडियो जो हमारे जो छोटे वीडियो है उनको लाइक और सब्सक्राइब किया करो, वहाँ आपको बताऊंगा छोटे वीडियो में कि कौन सा, मतलब छोटे वीडियो में इनकी नॉर्मल जो ट्रिक है वो बताता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को, जिप्सम को कहते हैं, जिप्सम को नहीं, जिप्सम को कहते हैं। 334 मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से। 335 देखो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 336 देखो नंबर क्या है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा निकाल जाती है, तो अब केंद्रीय बल की प्रक्रिया से दूध से क्रीम निकाली जाती है या दही निकाला जाता, ठीक है। 338 देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, ठीक है। 338 किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, अब खान अब्दुल गफार खान को, खान अब्दुल गफार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 339 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड, ठीक है। 340 स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, पहले 9 दिसंबर को अस्थायी थे, 11 दिसंबर को इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। अगला देखो 341 काली मिट्टी किस फसल, किस के लिए होता है, कपास के लिए, मूंगफली के लिए, और गन्ना गन्ने के लिए, कपास और मूंगफली के लिए वेरी बोरी उपयुक्त होती है काली मिट्टी, ठीक है। 342 कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोई नहीं हीरा मयूर सियासन लूट कर अपने साथ ले गए, स्वदेश ले गया नादिर शाह, मयूर सियासन और कोई नहीं ले गया नादिर शाह, ठीक है। 343 भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत माला, ठीक है। 344 धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत, 71% पानी है, ठीक है, हमारी धरती उसमें लगभग, मतलब जो पृथ्वी है टोटल इसमें 71% पानी है। 345 देखो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। 346 देखो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि
किस बिहार का सोख किस नदी को कहा जाता है, बिहार का सोख किस नदी को, तो बिहार का सोख कोसी नदी को कहा जाती है, उस कोसी नदी को बिहार का सोख भी कहा जाता है, किसी बाढ़ त्रास किया जाती है बिहार में। 348 देखो किस गैस सिलेंडर में गैस लीकेज, इन गैस लीकेज होती है जो बदबू आती है, गंध आती है, युक्त आती है, वो कौन सा पदार्थ मिला जाता है, तो इथाइल कार्पेट मिला जाता है, इथाइल, ठीक है, इथाइल के वो पदार्थ मिला जाता है, ठीक है दोस्तों, इथाइल मार्केट पेंट होता है, ठीक है, मार्केट पेंट। 250 देखो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन, सबसे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में, ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये गंगा वंश के राजा था, कौन से वंश का, गंगा वंश के एक राजा था, उस राजा का नाम था दोस्तों राजा नरसिंह देव। आज भी इसकी सवारी निकाल जाती है, राजा नरसिंह देव की, ठीक है, इसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। ये 13वीं सदी में बना था ये, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन 351, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता, ये पाकिस्तान से पहले मतलब पूर्वी पाकिस्तान था ये, ठीक है। 352, कंप्यूटर में 62 WWW का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 353, एक किलो बाइट के बी में कितने बाइट होती है, तो एक किलो एक के बी या सॉरी 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 एक किलो बाइट में कितनी बाइट होती है, 1024 बाइट, सॉरी 1 MB में 1024, सही है। अब देखो 354 देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 के ऐतिहासिक अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। 355 की नंबर देखो, केंद्रीय असेंबली बम फेंकने भगत सिंह का साथी कौन था, तो ये बटुकेश्वर दत्त था, भगत सिंह का साथ किसने दिया था, बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह का साथ दिया था जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, ये जल्ले वाला बाग टिकाना बदल लेने के लिए फेंका था। 356, मुस्लिम लीग में ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, 1940 में की थी मुस्लिम लीग, ठीक है, भारतीय विभाजन के लिए, ठीक है। 357 देखो, कॉमन विल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, किसने, कॉमन विल का पत्रिका का जो प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। 358, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल आर्थिक अमर्त्य सेन को एकमात्र अमर्त्य सेन एक ऐसा है जिसको आर्थिक मतलब नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। 359 देखो, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बना था, ये हरिश्चंद्र विद्यार्थी संघ के प्रयास से बना था, ठीक है, विधवा कानून। 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। 361, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने ऐसा था, हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और उनकी गुलामी स्वीकार की थी। 362 देखो, भारत की सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी, गौड़ जनजाति की ऐसी जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। 364 देखो, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाते हैं, भगत सिंह को शहीद ए आजम नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 365 किस बार योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो राज्य बने थे, इसका विभाजन हुआ था 3 जून, ठीक है, 1945 में। 366 देखो, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े किसने की थी, उधम सिंह ने बम फेंका था, उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी इंग्लैंड में जाकर, ठीक है। 367 बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, बंगाल विभाजन 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। 368 देखो, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय, ठीक है। 369 प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालूम के थे जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। 370 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किस चुना गया था, ठीक है, 9 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सचिंद्र सिन्हा को, उसके बाद 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। 371 कुचिपुड़ी नृत्य किस शैली का मुख्य, किस राज्य से संबंधित माने जाते हैं, यह आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, मुख्यतः आंध्र प्रदेश का, ठीक है। 372
मोहिनीअट्टम नृत्य किस शिल्प का मुख्य किस राज्य से मूर्ति माना केरल का मोहिनीअट्टम कहा गया केरल का नृत्य ठीक है। अगला देखो 373 भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है तो ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम तमिलनाडु का कथकली केरल की है। कैंसर की सर्वाधिक उत्पादन किस कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो जम्मू कश्मीर। कैंसर का जो सबसे उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है कैंसर हो गया बादाम हो गया काजू हो गया यानी जो हमारे ड्राई फ्रूट से लगभग जम्मू कश्मीर इधर इधर ही उत्पादन इधर ही होता है ठीक है। 373 भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किस नदी पर किया गया था ये दामोदर घाटी नदी पर किया गया था ठीक है। 377 इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो बी एस चंद्र बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ठीक है। प्रथम 378 गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे ठीक है। 387 अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के अंग है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के संघ किस अंग के सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय जो भी कुछ मामले थे वो अंतर्राष्ट्रीय मामले थे सुरक्षा परिषद देखता है ठीक है। 380 नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार किसको रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 381 कह रहे हैं मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी तो 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। 282 मिड डे मील कहाँ मिलता है स्कूल में मिलता है सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता है ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान कौन है और इसे कितने लिखा था देखो अमार सोनार बांग्ला है देखो अमार सोनार बांग्ला इसको किसने लिखा था आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था ठीक है दोस्तों। 283 लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी ठीक है बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। 384 देखो किस संविधान संशोधन की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था इसलिए इसको मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ठीक है। 386 देखो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैस का मिश्रण ले जाते हैं ठीक है दोस्तों। जो गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं नीचे तक जाते हैं वो ऑक्सीजन एक सिलेंडर पीछे रखते हैं उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैस होती है। 386 होम्योपैथी का संस्थापक कौन था होम्योपैथी का जो संस्थापक था वो हनी मेन था ठीक है। 387 देखो फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में ले जाती है तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस को कहाँ मिल जाता है एथिलीन गैस को फल आम जो हमारा केले होते ना केले ऐसे नहीं पकते पेड़ पर कभी भी तो एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे केले पक जाते हैं। 388 देखो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है तो भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है मार्च में आता है ठीक है 22 मार्च का लगभग होता है चैत्र महीना चैत्र होता है पहला महीना राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैलेंडर का ठीक है। 389 देखो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया है ये बांसुरी के बहुत ही बड़े वादक ठीक है। 390 भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितने होनी चाहिए 30 वर्ष ठीक है। और प्रधानमंत्री कितनी बार ही बन सकता है ये हमारे यहाँ तो फिक्स नहीं है। दूसरी बात हमारे मतदान देने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए ठीक है स्टेटमेंट कोई आयु नहीं है। 391 सांची के स्तूप के निर्माण किसने करवाया था तो सांची का स्तूप है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था ठीक है। यश गान किस राज्य का लोक नृत्य है यश गान कर्नाटक का लोक नृत्य ठीक है यश गान कहाँ का है कर्नाटक का लोक नृत्य है ठीक है। इसके बाद देखो 393 मेक मोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है तो भारत और चीन के मध्य मेक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य क्या बनाती है सीमा रेखा बनाती है। 294 देखो प्याज में खाद्य भाग कौन सा है यानी जो प्याज में खानी होगी जो भाग भाग वो कौन सा होता है तो हम तने को खाते हैं प्याज तने को खाते उसके पत्ते को ना उसके फल को क्या इसको खाते हैं तना खाद्य फल को ना तने को खाते हैं प्याज के ठीक है तना उसका मोटा होता है। 395 देखो सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगी आवर्त कितने 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि हम सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज की सोने होती है जो सर्वे परिसर में होती है ठीक है उसके आगे हम नहीं सुन सकते इसे कम भी नहीं सुन सकते एक नॉर्मल है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है तो बिहार की मधुबनी कहाँ की है मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला शैली है।
393 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित? नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। 398 किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर। 399 निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्र कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जिनको निर्विरोध चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनको, पहला ऐसा राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया था। 400 पर देखो, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन से नदी बनाती है? तो संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, ये हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, जो दोनों के बीच, दोनों के बीच में जो हिस्सा आता है उसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध। ठीक है, देखो दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी थे ये भारत के राष्ट्र, सॉरी नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ठीक है, छह नंबर के राष्ट्रपति। और नीलम संजीव रेड्डी को दोस्तों ये 1977 में, 1977 में लोकसभा, यानी जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष थे। फिर उन्हें निर्विरोध चुने गए और ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति 1977 से 1982 में। ठीक है, इन लोकसभा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए और उस टाइम राष्ट्रपति चुनाव आ गए थे, तो उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, दोस्तों सुंदरबन का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ ये पश्चिम बंगाल राज्य दक्षिणी भाग में गंगा नदी की सुंदर क्षेत्रीय डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो हमारे राष्ट्रीय बंगाल टाइगर, यहाँ पे सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर भी पाए जाते, बंगाल टाइगर भी। ठीक है, बंगाल टाइगर भी यहाँ पे सरीसृप और केशव प्रजाति के जीव जंतु के निवास स्थान भी है। ठीक है, यह खारे पानी का घड़ियाल भी समझ, यह खारे पानी में रहने वाले घड़ियाल, खारे पानी में जो घड़ियाल पानी आ रही है, मीठे पानी में रहते हैं, यहाँ घड़ियाल भी है। ठीक है, घड़ियाल सबसे ज्यादा खारे पानी में रहने वाले घड़ियाल यही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जंगली सुअर, छिपकली, जंगली मुर्गी, ठीक है, मगरमच्छ आदि, मतलब यहाँ खूब सारे जनजाति जीव जो यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, डेल्टा कैसे बनते दोस्तों? जब नदियां बहती है, नदियां बहती है तो अपने साथ ये गाद मिट्टी करकरी लाती है, इनको इकट्ठा करके एक मतलब बीच में जगह बन जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां है सारी मिलकर ये निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, जो सुंदरबन का डेल्टा है इसमें 2020 और 21 की जनगणना में यहाँ पे 96 बाघ पाए गए थे दोस्तों। ये भी इसकी एक खासियत है कि यहाँ पश्चिम बंगाल टाइगर जो बिल्कुल बहुत, ये सुंदरबन का डेल्टा मुख्यतः ज्यादातर भारत के दक्षिण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश देश, बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर है। मतलब यहाँ नदी के संगम हरा भरा तलछट कटा हुआ बाग है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, हमारे 400 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे जो आगे वाला टारगेट है वो लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही लेंगे दोस्तों। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या बीएसएफ ट्रेडमैन की एग्जाम हो या किसी एसएससी की हो, जिनमें क्वेश्चन पुराने ओल्ड क्वेश्चन आते हैं, जो जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जीएस से संबंधित क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो जरूर देखें, जितनी वीडियो डालता हूँ सारी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ हमारा टारगेट है कि सीआरपीएफ जो ट्रेड में टेक्नीशियन और बीएसएफ जो भर्तियाँ हैं, इनमें हमारा जो 25 नंबर का टारगेट है उसको लेकर हम चल रहे हैं। वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट हमने लिया है, ताकि आप सभी के जो कमजोर बालक है उनकी मतलब इच्छा है कि वो नौकरी लगे, तो किसी का घर बढ़िया सुधर जाए। ठीक है, उसके लिए हम एक तैयारी करवा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखें और कमेंट्स करना ना भूलें। बताइए, कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाके आप इसको
सर्च कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए मैं PDF भी डाल दूंगा। वहाँ डेली आपके लिए क्यूज आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, उन क्यूज में आप क्वेश्चन का आंसर दिया करो डेली, वहाँ पर मैं डालता रहूँगा। जो भी कोई न्यूज आएगी वो लेटेस्ट न्यूज वहाँ डाल दूंगा, करंट अफेयर क्वेश्चन वहाँ डालता रहूँगा बार बार, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहाँ उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।